चीन में चमगादड़ से कोरोना वायरस फैलने की खबरों के बीच अब छतरपुर के बिजावर में भी इसकी दहशत दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि बिजावर में बड़ी संख्या में चमगादड़ पाए जाते हैं, जिससे अब लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जांच में पाया गया कि चमगादड़ों की दो प्रजातियों में बैट कोरोना वायरस मिला है। यही वजह है कि बिजावर में चमगादड़ों के कारण लोग भारी दहशत में है। हजारों की तादाद में यह चमगादड़ राज शासन के महलों और आसपास के पेड़ों पर वर्षों से डेरा डाले हुए हैं। शाम के समय पूरे शहर में इनको उड़ते हुए देखा जा सकता है। लॉकडाउन में लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन चमगादड़ों को उड़ता देख लोग दहशत में आ जाते हैं। सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी ने लोगों को चमगादड़ों से न डरने की अपील की है। वैज्ञानिकों ने यह दावा जरूर किया है कि चमगादड़ों में कोरोना के वायरस मिले हैं, पर यह निश्चित नहीं है कि मानव शरीर में ये डायरेक्ट आ सकते हैं। ये अभी शोध का विषय है। अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि ये वायरस मानव शरीर में कैसे प्रवेश कर रहा है। हमारे यहाँ नगर बिजावर में महाराष्ट्र साहब के किले में चमगादड़ों का भारी तादाद में पेड़ों पर किले के अंदर बहुत सी तादाद में चमगादड़ों का निवास है, जिससे नगर के लोग चमगादड़ों के द्वारा फैलाई गई अफवाह हो या सच्चाई हो कि इससे कोरोना फैलता है, इसलिए नगर के लोग बहुत ज़्यादा दहशत में हैं और प्रशासन से निवेदन है कि इसका कोई उपाय किया जाए, जिससे लोगों की दहशत और मन में शांति बनाए रखने की अपील हो। क्या है, चमगादड़ तो वीराने में रहते हैं, कभी कभार वो बस्ती में आ जाएं तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है कोरोना से इनका कोई संबंध है। बाकी सामान्य उपाय, स्वच्छता, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, ये करते रहें और उसको दिमाग से आदमी भ्रम को निकाल दें, इसके लिए भी वो जिम्मेदार हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।